भाई आज की वीडियो मैं आपको एक ऐसी लस्सी वाले भैया से मिलवाने वाला हूँ जिनकी लस्सी पीने के बाद ना आप पहलवान बनने वाले हो। हम लोग आए पहलवान लस्सी पे जो कि है हमारे काशी में। तो भैया सबसे पहले तो राम राम, क्या हाल है? हाँ जी, कैसे हो? तो भैया जी कितना टाइम हो गया आपको लस्सी बेचते हुए? अगर शॉप की बात आप करोगे तो 90 ईयर्स ओल्ड। मैं तीसरी जनरेशन हूँ जो लस्सी बना रहा हूँ। नाम जो पड़ा हुआ है वो हमारे बड़ों के नाम पे है। दादा थे पहलवान, दादा और पिता दोनों ही रेसलर्स थे। और रेसलर्स का ना ये होती है शान, होती है लस्सी पीना, छाछ पीना, तो वही टेस्ट आपको यहाँ पे मिल रहा है। इसके अलावा दो आइटम और, मलाइयो और रबड़ी। रबड़ी और दही लस्सी जो है आपको 12 महीने मिल जाएगी, बट ये जो है दूध मलाइयो, मिल्क मलाइयो, ये हाँ ये आपको हमेशा नहीं मिलेगा। ये विंटर डिश है, ये बहुत ही जो है कि क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में, क्या बोलते हैं, बहुत डिलीशियस चीज है। खास बात यह है कि यहाँ पे ना आज भी भाई मट्ठे से, लकड़ी का जो मट्ठा होता है, लकड़ी मट्ठा कहते हैं इसको, मथनी मथनी बोलते हैं, मथना बोलते हैं, मथना भाई, मथनी तो है ही, मथना भाई मथना है। पुराने थ्योरी पे ही काम होता है। ओल्ड इज गोल्ड, ओल्ड इज गोल्ड। आई है।